हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, आज जो हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 का कंक्लूजन है, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम चैप्टर 6 भी आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम नीट के क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो उसमें हमें कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना पड़ता है। जैसे दो बहुत खास बातें जो कि मैंने बोला था कि हमें आज की क्लास से निकालनी है, हम हर एक चैप्टर के 10 पॉइंट्स लेकर के चल रहे हैं। 10 पॉइंट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जैसे आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं, सर आपने फ्रूट और सीड नहीं पढ़ाया, तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। फ्रूट और सीड आपको 11th में भी पढ़ाया गया, आपको 12th में भी पढ़ाया गया। आप ये कह सकते हैं कि उसको आपने रिवाइज नहीं कराया, क्योंकि वो इतना आसान है कि आप उसे अगर एक बार उसे देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ रखा है 12th। लेकिन दो बहुत खास बातें, फिर से बोलूंगा मैं, दो बहुत खास बातें जो कि हमने फ्लावर में नहीं करी, और देखिए वो इसलिए अब आपके सामने ऑटोमेटिकली आने वाली है। आज की क्लासेस अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आती है तो वो कल की क्लास जरूर देखें, तो आज की क्लास बिल्कुल आसान हो जाएगी। हमारे सिलेबस में टोटल अगर हम ऐसे थ्योरी देखते हैं तो 3 फैमिलीज मिलती है, फैबेसी, सोलेसी, लीलिएसी, 3 मिलती है। लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को सीखने के लिए हमारे सिलेबस में एक और फैमिली दी हुई है जिसका नाम है ब्रासिकेसी, ठीक है ना। वहां नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये ब्रासिकेसी का है, लास्ट में नाम है, बिल्कुल पेज 78 पर। कि ये ब्रासिकेसी का हमने डिस्क्रिप्शन आपको एज ए टाइप रिप्रेजेंटेटिव, टाइप स्टडी लेकर के चले। तो अब जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो वो ऐसे नहीं होते कि आप ये 4 अलग अलग देखे और फौरन पहचान लें। ये देखिए रेड से किया हुआ है सोलानेसी को, ये पॉइंट नंबर 1 था इस चैप्टर का, जहां तक मुझे याद है। सोलानेसी को रेड से इसीलिए किया है क्योंकि इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। डाइकॉट में जब भी आपको यूनिट्स मिलेंगे वो 5 या 4 या उनके मल्टीपल में मिलते हैं, 4 और मल्टीपल ऑफ 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन मोनोकॉट में 3 या 3 के मल्टीपल में चीजें मिलती हैं, ये ट्राइमेरस, ये टेट्रा और पेंटामेरस, ये आपको पहले से बताया जा चुका है, एक बात हो गई। अब देखिए फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फॉर्मूला का मतलब ये है कि पूरी की पूरी यूनिट हम उसे सॉल्व कर लें। अगर हमारे पास फॉर्मूला है पूरी फैमिली हमारी समझ में आ जाए, है ना। जो फैमिली का यूनिट पार्ट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आप उसमें से बता देंगे और देख करके बता देंगे। डायग्राम अगर हमारे सामने होगा तो हम उसे देख करके बता देंगे, क्योंकि हमें यह मालूम है जो लास्ट क्लास है उसका हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, प्लेसेंटेशन। हमें कुछ नहीं करना है प्लेसेंटेशन में, हमें प्लेसेंटेशन में 5 के नाम लिखने, ठीक है, जैसे कि मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, और इनके आगे वही काम करना है जो मैंने एस्टिमेशन में किया था, जो मैंने ओवरी की पोजीशन में किया था, एनसीईआरटी के एग्जांपल। ये काम आप करके फटाफट निपटाइए, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स ऑफ योर्स। उसके बाद मैं वापस लौट करके यहां पर आता हूं। अगर आप पेज नंबर 75 पर देखेंगे तो लास्ट टॉपिक है प्लेसेंटेशन, यहां एग्जांपल है पी, दो लाइनें खींच दी मैंने, एक लाइन से तो ये जीनस का नाम बन जाएगा, है ना। एक्साइल, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, और आपने टोमेटो के स्लाइसेस देखे हैं, ऐसा लगता है कार्ड व्हील है, है ना। और पेराइटेल्स तो देखिए यही है, पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटेल्स,
ये ऑर्डर का नाम है। कुछ लोग इसे बोलते हैं पेराइटेलिस, है पेराइटेल्स, ऑर्डर पेराइटेल, ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, फैमिली इज ब्रासिकेसी। मस्टर्ड एंड आर्जिमन, राइट। इसके बाद में डायंथस ऑफ प्रिमरोज, बेसल एस्टेरेसी, मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ डाइकॉट इज एस्टेरेसी। हमारी बुक में नाम लिखे हैं सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, वो इसी के मेंबर हैं। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, गेंदा। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि जो हमने ये नाम लिखे हैं इनको हम ब्लॉक में कर लेते हैं। Like this. तो इन पांचों में से एक आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन पेज 75 को पकड़ करके रखिएगा। यहां भी काम में आएगा। अब सबसे पहले ब्रासिकेसी, सरसों और फैबेसी, मटर, इसका जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम है, पॉड, फली, लेग्यूमिनस प्लांट कौन होते हैं जिनमें फलियां आती हैं, पॉड लेग्यूम बोलते हैं। और इसमें आती है सरसों, सरसों में भी फली आती है, सरसों की फली फली नहीं है क्योंकि वहां पर फॉल्स सेप्टम है जिसे रैपलम कहते हैं, ये मत भूलना ब्रासिकेसी से। अब ये ब्रासिकेसी में नहीं मिलेगा, ये प्लासेंटेशन में मिलेगा, पेराइटेल्स में, के फॉल सेप्टम होता है जिसे रेपलम कहते हैं, और मस्टर्ड उसका एग्जांपल है। मस्टर्ड किसका एग्जांपल है? ब्रासिकेसी का, हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेज 75 को पकड़ करके रखिए। हर बात जरूरी नहीं कि उसी टॉपिक में हो, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो फॉल सेप्टर और रेपलम की वजह से सरसों की फली फली नहीं है, इट इज नॉट लेग्यूम, उसको बोलते हैं सिलिकुआ, सिलिकुआ, ठीक है। ये फ्रूट है मस्टर्ड का, और मटर का जो फ्रूट है वो है पी का, पॉड, लेग्यूम। ये दोनों की फलियों में फर्क है, यहां सेप्टम नहीं है, पार्टीशन नहीं है, मार्जिनल प्लासेंटेशन से बने तो लेग्यूम, पेराइटल प्लासेंटेशन से बने पॉल सेप्टम और रेपलम आ जाए तो सिलिकुआ, द फ्रूट ऑफ ब्रासिकेसी, सरसों की फली सिलिकुआ है, पॉड नहीं है, लेग्यूम नहीं है। देखिए हमारे सिलेबस में चारों फैमिलीज में तीन फैमिलीज डाइकॉट की, एक मोनोकॉट की। अब इन चारों में हमें यह पहचान करनी है कि हमें किसको पकड़ना। ब्रासिकेसी में देखिए सब जगह एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी ये भी ये भी, एक फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक है, पी प्लांट। और जाइगोमॉर्फिक क्यों हुआ भाई? जाइगोमॉर्फिक हुआ इसकी वजह से, करोला में पेटल्स, एक बड़ा, दो ट्विस्टेड और दो फ्यूज्ड, स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, विंग्स और कील, 1+2+2 fused, कील, ये दोनों विंग्स, और ये कहलाता है स्टैंडर्ड, वैक्सिलम और स्टैंडर्ड। तो इसलिए कैसे बन गया, ये जाइगोमॉर्फिक बन गया। सारे बाइसेक्सुअल हैं, यूनिसेक्सुअल की कोई फैमिली हमारे सिलेबस में है ही नहीं, कितनी आसान बात है, ठीक है ना। तो जाइगोमॉर्फिक में एक, बाकी सब एक्टिनोमॉर्फिक,
बाइसेक्सुअल सारे, हाँ या ना बच्चों? 12 साल की उम्र में आपको बोलना है ये कि 12 साल की उम्र में आपके भाई ने फेसबुक चलानी सीख ली थी और जब वो 23 साल के हुए तो श्रीलंका घूम करके आए। मेरा भाई 12 साल की उम्र से फेसबुक चला रहा है और जब वो 23 साल का हुआ तो वो श्रीलंका घूम करके आया, इसका मतलब कौन बताएगा मुझे कि 12 साल से मेरा भाई फेसबुक चला रहा है और जब वो 23 साल का हुआ तो वो श्रीलंका घूम करके आया? What is the meaning of this? ये अमन खान की आईडी से कौन बच्चा है भाई? बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग कर दी, गुड इवनिंग कर दी बहुत जल्दी। वन ऑफ माई स्टूडेंट, यस वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज लर्न टू यूज फॉर फेसबुक फ्रॉम द एज ऑफ 12 एंड व्हेन दैट स्टूडेंट रीच द एज ऑफ 23 ही विजिटेड श्रीलंका। सो इट इज सो सिंपल। और हमने ये बात पहले डिस्कस कर ली थी कि अगर एक कार पर होगा तो फ्यूज्ड और फ्री नहीं होगा, है ना? और हमारे सिलेबस में एक से ज्यादा कार्पल की एपो कार्पस यानी कि फ्री कार्पल की कोई फैमिली नहीं है, सब फ्यूज्ड है, सब फ्यूज्ड है। ये भी फ्यूज, ये भी फ्यूज, ये भी फ्यूज, सब फ्यूज्ड है, ये भी फ्यूज्ड, ये भी फ्यूज्ड, ये भी फ्यूज्ड। सिन कार्पस की सारी फैमिलीज हैं, एपो कार्पस है ही नहीं। एपोकार्पस के एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए थे ना, लोटस एंड रोज, डू यू रिमेंबर दैट? तो सबसे मुश्किल होता है याद रखना गाइनीशियम, बाकी सब बहुत आसान है, आप खुद ही देख लेंगे। गाइनीशियम सबसे मुश्किल है कि किसमें कितने थे। तो ये कहानी याद कर लेना कि सर का एक स्टूडेंट 12 साल की उम्र में फेसबुक चलाना सीख गया था। फेसबुक फेवेसी ब्रासिक एसी, फेवेसी में 1, 1, ब्रासिक एसी में 2। और फिर वही स्टूडेंट जब 23 साल का हुआ, 23 का मतलब 23, 2 में आया एस, एस फॉर सोलनेसी, एल फॉर लिलियसी, 3 श्रीलंका। गाइनीशियम याद हो जाएगा और सब सिन कार्पस है, एपोकार्पस कोई है ही नहीं। ऑलराइट, इसको कहते हैं फंडा फ्राई। क्या बोलते हैं? फंडा फ्राई। भेजा फ्राई मत कर लेना। ऑलराइट, ये फंडा फ्राई है तो ऐसे याद करेंगे। खैर, अब देखिए एनसीईआरटी ने छोड़ा कुछ भी नहीं है। ब्रासी केसी में एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K2+2 का मतलब 2 बाहर 2 अंदर, 2 बाहर 2 अंदर, लाइक दिस। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो गया कैलिक्स का, कोरोला का वॉल्वेट हो गया, 4 पेटल हैं और एंड टू एंड अरेंज है। यह है खास बात, A2+4 टेट्रा डायनमस कंडीशन, एम्स में आया था। उन्होंने कहा था कि चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा क्लोज है ब्रासिक एसी के वो ऑप्शन चूज करो। एक ऑप्शन में टेट्रा डायनमस कंडीशन भी थी, रेपलम भी थी और सिलिकुआ भी था, बाकी में एक एक कैरेक्टर चेंज कर दिया था। रेपलम सब में रखा था, टेट्रा डायनमस सब में रखा था। तो ये है, देखिए चार स्टेमेन है, आउटर 2 शॉर्ट। अब बच्चे ये कहते हैं कि, और बात सही है, इनर 4 लॉन्ग, ये हो गए इनर 4 लॉन्ग, ठीक है। तो बच्चे ये कहते हैं कि ये कैसे याद रहेगा, आउटर 2 शॉर्ट है, इनर 4 लॉन्ग है, आउटर 4 शॉर्ट है, इनर 2 लॉन्ग है। भाई हम ये जो लिख रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला, ये बाहर से अंदर की तरफ है,
सबसे बाहर, उसके अंदर और सबसे अंदर, ऐसे चलते हैं। एक और भी चीज है जो किसी फैमिली में नहीं है एक्सेप्ट वन, और वो क्या है? लिलियसी में ब्रैक्ट, फ्लावर के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग जिसे बोलते हैं ब्रैक्ट, बी आर ब्रैक्ट, कवरिंग ऑफ द फ्लावर। तो ये है टेट्राडायनेमस कंडीशन, टेट्राडायनेमस कंडीशन, डाई टेट्रा कंडीशन नहीं बोल रहे। टेट्राडायनेमस अच्छा बना तो बना लिया, लेकिन बाहर तो पहले बाहर दो मिलेंगे, फिर अंदर चार मिलेंगे, फिर कार्पल मिलेंगे दो जो फ्यूज होंगे। तो टेट्राडायनेमस कंडीशन रेप्लम, ये अगर दिख जाए तो समझ लीजिए ब्रासिकेसी की बात हो रही है। ठीक, फेबेसी में एक जरूरी चीज ये है C1+2+2 फ्यूज्ड, ठीक है, 1+2+2 फ्यूज्ड जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसके साथ अगर डाइएडल्फस जो हमने पढ़ी थी, दो बंडल, एक में नो स्टेमेन और एक अलग, ये डायग्राम में भी है फेबेसी के, अगर आप बच्चों देखेंगे पेज नंबर 79 पर, ये देखिए ये डायग्राम है, ये वाला, दिस वन, नौ एक साथ है एक अलग है, ये है डाइएडल्फस कंडीशन। आया समझ में? क्या याद किया? सर का एक स्टूडेंट 12 साल की उम्र से फेसबुक चला रहा है, 23 साल की उम्र में वो श्रीलंका घूम करके आया, याद रहेगा? यस और नो? तो गाइनीशियम की तो टेंशन ही खत्म हो गई। तो बच्चों अगर ये दो चीजें आपको दिख जाए ना, तो आंख बंद करके समझ लेना कि ये बात हो रही है फेबेसी की। अब आया सोलानेसी और लिलियसी। यहां कोरोला यानी कि पेटल और स्टेमेन के ऊपर आर्क है, पेज 75 पे लिखा है, इसको बोलते हैं एपिपेटलस। क्या बोलते हैं? एपिपेटलस। जब स्टेमेन पेटल से सटे हुए हो तो उसको बोलते हैं एपिपेटलस, और फ्लोरल फॉर्मूला में उसके लिए आर्क लगा देते हैं। बाकी आप देख लीजिए, कैलिक्स में सेपल भी फ्यूज्ड, करोला में पेटल भी फ्यूज्ड। यहां पर एक चीज आपको देखनी है एनसीईआरटी बुक में, वो क्या है? पेज नंबर 79, फेबेसी फैमिली में जो कैलिक्स है, इसके फ्लोरल डायग्राम में कैलिक्स हमको दिखाई जा रही है वॉल्वेट, एंड टू एंड सेपल अरेंज है और फ्यूज है। बुक में लिखा है इम्ब्रिगेट, नई वाली बुक में वॉल्वेट और इम्ब्रिगेट ऐसे लिखा है, यानी कि ज्यादातर वॉल्वेट होती है कैलिक्स और कभी कभी इम्ब्रिगेट होती है, तो खाली इम्ब्रिगेट नहीं है, ज्यादातर वॉल्वेट और कभी कभी इम्ब्रिगेट। ये करेक्शन हो गया है बुक के अंदर, तो आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर लीजिए। थ्योरी में पेज 79 पर फेबेसी फैमिली का जो कैलिक्स का डिस्क्रिप्शन है, सेपल्स 5 गैमोसेपल्स वॉल्वेट ऑब्लिक इम्ब्रिगेट, ज्यादातर वॉल्वेट, बहुत कभी कभी इम्ब्रिगेट, बहुत कमी से। तो अगर आपकी बुक में खाली इम्ब्रिगेट है तो उसे करेक्ट करेंगे आप, राइट? तो सोलन एसी की हमें कितनी चीजें याद हो गई, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड, स्टेमेन 5 फ्री और एपिपेटलस, और जी हम कैसे भूलेंगे भाई, सोलन एसी, एस फॉर श्रीलंका, एस फॉर श्री, तो वहां तो 2 है, ये तो हम भूलेंगे ही नहीं। सोलन एसी का फ्लोरल फॉर्मूला मुझे मालूम है कि आप सब लोग अब आंख बंद करके लिख देंगे अभी के अभी, दैट आई नो, यस और नो, क्या कहते हैं?
फ्लोरल डायग्राम देख लीजिए, सेपल और पेटल ये दोनों ही वॉल्वेट में हैं और फ्यूज्ड हैं, और दो पेटल के ज्वाइंट पर स्टेमन लगा हुआ है, आया ना। सोलानेसी में टोमेटो आता है और टोमेटो में एक्साइल प्लासेंटेशन होता है जो कि सोलानेसी में भी है। एक्साइल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन, हाँ या ना। और इसमें भी एक्साइल प्लासेंटेशन, दोनों में। मार्जिनल, पैराइटल, खत्म। फ्री सेंट्रल और बेसल, ठीक, एक्साइल, मार्जिनल, पैराइटल, तीन है। फ्री सेंट्रल और बेसल की कोई फैमिली हमारे सिलेबस में नहीं। अब आ गई बात लिलिएसी की। पेरिएंट, मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे सिलेबस में डाइकॉट की कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें पेरिएंट हो। हर फैमिली कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला वाली है। और हमारे सिलेबस में मोनोकॉट की कोई फैमिली कैलिक्स और करोला की नहीं है, जो है ले दे करके वो पेरिएंट की है। एक ही वर्ल होगी दो की जगह, उसमें भी देखिए तीन टेपल बाहर तीन अंदर और फ्यूज्ड। बहुत आसान इसका फ्लोरल डायग्राम है, सबसे आसान यही लगता है मुझे। कैसे भाई, मैं पहले तो आपको ये वाली बात पढ़वा दूं, एनसीईआरटी में A2+4 ये कहां लिखा है मालूम है किसी को? मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, पेज 75 को पकड़ करके रखिए, तभी नाम है फंडा फ्राई, नॉट डायग्राम। पेज 75 को पकड़ करके रखिए, फंडा फ्राई का मतलब यही है। पेज 75 एंड्रूशियम, लास्ट लाइन क्या है बच्चों स्टेमेन के बारे में? पॉलीएडल्फस इन सिट्रस के बाद, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड, देयर मे बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। देखिए फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन है कि नहीं, आया ना। आउटर टू शॉर्ट इनर फोर लॉन्ग, तो फिलामेंट छोटा फिलामेंट बड़ा। तो पेज 75 के फर्स्ट पैराग्राफ एंड्रोशियम की लास्ट लाइन यही है, देयर मे बी ए वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। मिला कि नहीं मिला आपको? तो बच्चों लिलिएसी में जो फ्लोरल डायग्राम है वो सबसे आसान है। हमें क्या करना है, हमें दो रिंग बनाने हैं पास पास, एक ये रिंग और एक रिंग इसके करीब बाहर बना लेना है। इसको तीन जगह से काट देना है और इसके बीच से इसे काट देना है एक, इसके बीच से इसे काट देना है दो, इसके बीच से इसे काट देना है दो। अब ये हमारे बन गए टेपल, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन बाहर तीन अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये इससे जुड़ गया, 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 ये इससे जुड़ गया। ये लीजिए साहब, बन गई पेरिएंट। सबके बीच में से एक एक स्टेमेन निकाल दीजिए और सबकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। ये यहां आएगा तो ये यहां आएगा, फिर ये यहां तक 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 आएगा। इट शुड बी इक्वल इन लेंथ। अंदर एक्साइल प्लासेंटेशन आ जाएगा, खत्म बात, छुट्टी। बन गया फ्लोरल डायग्राम, सबसे आसान लिलिएसी का है। और लिलिएसी में
आप चैप्टर 6 क्लास 12 में पढ़ते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए कॉल्चिसीन चाहिए, कॉल्चिसीन। ये एक एल्कलॉइड है, और एल्कलॉइड कहां से आते हैं? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट से निकलने वाले नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें कहते हैं एल्कलॉइड। और ये कॉल्चिसीन किससे निकल रहा है? हमारी लिलिएसी फैमिली जो बुक में दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कॉल्चिकम ऑटोमिनेल, उसके आगे लिखा है कॉल्चिसीन। ये स्पिंडल फाइबर को डिसॉल्व कर देता है मेटाफेज में या लेट मेटाफेज में, एनाफेज तक जाते जाते क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, फिर वो पोल पे नहीं जा पाते। ये इसका काम है पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करना। आपका क्या काम है? आपका काम ये है, कई बार नीड के अंदर एक सवाल आता है, मैं बताता हूं क्या है वो, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। लेट मी नो व्हेन यू फिनिश दिस। ऑलराइट बच्चों, डन। तो आपको अभी काम क्या करना है, मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन आता है नीड में, वो क्या करते हैं कि उन्होंने 4, 5, 6, 7 नाम दे दिए और वो पूछते हैं इनमें से बताओ कितने सोलनेसी के हैं, कितने फेबेसी के हैं। ब्रासिकेसी के नहीं आएंगे क्योंकि वो एग्जाम्पल ही नहीं है एनसीईआरटी में गिवन। लिलिएसी के बहुत आसान है, ठीक, आपको देख लीजिए, कॉल्चिकम ऑटोमिनेल है, एस्पेरागस है, ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा है, एलोए है, आप खुद जानते हैं एलोएवेरा। तो गिने चुने 5 नाम। आपको क्या करना है, सोलनेसी लिखकर ऊपर और उसके सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में वो नीचे लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 के एनसीईआरटी में गिवन कितने हैं। ये काम आपको अभी करना है, ठीक है ना। अगर आप पेज 80 पर देखेंगे, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, तो नंबर 1 टोमेटो, नंबर 2 ब्रिंजल, देन पोटैटो 3, चिली 4, बेलाडोना 5, अश्वगंधा 6, टोबैको 7, पिटूनिया 8। तो 8 नाम दिए हुए हैं सोलानेसी के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सोलानेसी लिख के 8 नाम लिख दीजिए। आपको पता है कि 8 तो एनसीईआरटी में 9 तो दे ही नहीं सकता, वो 9 तो पूछ ही नहीं सकता। अब वो 8 अगर आपको याद है तो आप उस सवाल को कर लेंगे, और इसमें ऐसे नाम है ही नहीं जो कि याद ना हो, कई सारों को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। यस और नो? सिमिलरली अगर आप फैबेसी को देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा नाम है, फोर्टीन नेम्स आर गिवन इन फैबेसी। ये है काम करने का। अब इसमें हमें मालूम है कि पल्सेस भी आती हैं, तो हमें नाम याद होने चाहिए कि अरर है ना, ये जो बुक के अंदर नाम दिए हुए हैं, ग्राम है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, एडिबल ऑयल में भी सोयाबीन रिपीट हो गया, फिर ग्राउंडनट है, इंडिकोफेरा डाई है, फाइबर में सन हेम्प है, रस्सी बनती है, फोडर सस्बेनिया ट्राइफोलियम है, ल्यूपिन और स्वीट पी है, ऑर्नामेंटल है, मेडिसिन में मुलेठी है। और ये तो 13 नेम हुए क्योंकि सोयाबीन तो रिपीट हो गया ना, लेकिन मैंने 14 लिखे क्योंकि हम पी को कैसे भूल सकते हैं, जिस पर हमने पूरी जेनेटिक्स पढ़ी है क्लास 12 में, राइट। तो 14 नेम्स इंक्लूडिंग पी यहां पर आएंगे और 8 नेम्स यहां पर आएंगे, ये आप कॉलम वाइज लिखेंगे। और अगर रोज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में ये नाम है, एनसीईआरटी में सब कुछ है, लेकिन जब तक हम उसे अपने सामने ना रखें तब तक हमें ये समझ नहीं आता। तो आज की जो 2 पॉइंट थे वो कौन से निकाले, आपको पता चला क्लास के बीच में जो 9th और 10th पॉइंट था इस चैप्टर का वो कौन सा था? एपिपेटलस और एपिफिलस, ये 9th पॉइंट था, और 10th पॉइंट था रेपलम ब्रासिकेसी में, जिसे फॉल्स सेप्टम कहते हैं, पैराइटल प्लासेंटेशन में होता है और उससे लेग्यूम नहीं बनता, लेग्यूम बनता है मार्जिनल प्लासेंटेशन से। ये 9th और 10th पॉइंट, राइट। आप चाहे तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, देयर इज अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, जो पेज 75 पर लिखा। देखिए पेज 75 पर कितनी खास बातें निकल करके आई हैं आज की क्लास में, ये नोट करिए आप, है ना। तो अभी के अभी इस काम को निपटा लीजिए, टालिएगा मत,
16 नेसी के 8 नाम और पी को मिलाकर फेबेसी के 14 नाम, 13 एनसीईआरटी में पी 14 हो जाएगा क्योंकि पी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना। इसी तरह से अगर आप 16 नेसी में देखेंगे तो 9 नेम्स मिलेंगे 16 नेसी में। 9th नेम है मकोई का, सोलनम नाइग्रम मकोई, छोटे छोटे टमाटर जैसे फल आते हैं इतने छोटे छोटे, लाल मको काली मको, तो वहां 9 हो जाएंगे, मकोई का तो डिस्क्रिप्शन है। और लिलियसी में अनियन भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है डायग्राम के अंदर। हायर क्लासेस में बच्चों को जब पता चलता है कि अनियन एमराइलिडेसी का मेंबर है, लिलियसी का नहीं है, ये हायर क्लास की बात है, लेकिन अभी क्योंकि एनसीईआरटी ने लिलियसी में अनियन बनाया है, अनियन में स्केप भी दिखाया है, मैं बता चुका हूं कि एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, उसपे सारे इनफ्लोरोसेंस सारे फ्लावर्स हैं, कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस इज देयर, उसी को बोलते हैं स्केप, SCAPE, ठीक है, SCAPE। सो यू गॉट टू डू दीज थिंग्स। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टिल देन बच्चों गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।